सो वेलकम टू एस पी एस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी एस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम पीजी के परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सेमेस्टर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज इन पर हमारी विस्तृत चर्चा होगी और आप सबके डाउट को क्लियर करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने पेपर होंगे और कितने नंबर का होगा पेपर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अभी बहुविकल्पीय पैटर्न ही लागू हुआ है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सबसे पहले समझ लेते हैं एक छोटी सी मिनट के लिए। देखिए 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, उसके दौरान आपका जो सिलेबस था बीए बीएससी का, उसको चेंज करके सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, और सेमेस्टर वाइज मतलब दो सेमेस्टर कर दिए गए, यानी छमाही परीक्षा, यानी कि साल में आपकी दो परीक्षाएं की जाएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो अब आप इतनी समझ में आ गई कि सेमेस्टर परीक्षा क्या है। तो सेमेस्टर परीक्षा आपकी छमाही परीक्षा होती है, जिनमें आपके एक साल में दो पेपर होने हैं, ठीक है। अब दो पेपर होंगे तो दोनों पेपर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए जो पेपर पैटर्न है वो कुछ यूनिवर्सिटी ने पहले तो आपका जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपका पेपर एमसीक्यू हुआ करता था। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो अपना पेपर जो है वो रिटर्न कराती थी, लेकिन अधिकांश मानकर चलिए 99% जो थे वो क्या करा रहे थे, ओएमआर सीट द्वारा करा रहे थे, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहे थे, एमसीक्यू प्रश्न द्वारा अपना पेपर कंडक्ट करा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो पेपर पैटर्न होगा आपका वो रिटर्न होगा, और काफ़ी विश्वविद्यालय ने अपने साइट पर ये जारी कर दिया गया है कि पेपर का प्रारूप कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी चेक कर लीजिएगा और वैसे क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न की। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आएंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो 100 आते थे आपके पेपर में, लेकिन अब जो सेमेस्टर वाइज पैटर्न हुआ है उसमें अधिकतम जो है 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर कितना नंबर रहेगा, 75 नंबर का आएगा, 25 नंबर आंतरिक मूल्यांकन दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल का आपका दिया जाएगा। तो पहला तो बहुविकल्पीय की बात हो गई। अगर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, अगर आपका एग्ज़ाम जो होता है वो एमसीक्यू मोड में कराया जाता है, तो आपका जो ओएमआर सीट बनेगी वो 100 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और ओएमआर सीट कैसे भरना है इस पर मैं विस्तृत वीडियो आप लोग को बना दूंगा। ऑप्शन दिए रह गए 4, उसमें आपको गोला भरना रहता है, और गोला आपको डार्क पेन से यानी ब्लैक पेन से डार्ट पेन से भरना होता है, ठीक है, जो विकल्प सही होंगे। तो आप लोग समझिए कितने बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है वो होने वाली है 75 आपके एग्ज़ाम में। अगर सबसे पहले आप लोग पेपर देने से पहले इंटेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, किसी किसी विश्वविद्यालय में 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, किसी किसी विद्यालय में 75 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का बनेगा, तो पूर्णांक जो होगा आपके पेपर का कितना रहेगा, पूर्णांक आपके क्वेश्चन पेपर का 100 रहेगा। एक पेपर बात कर लूँ बीएससी की, तो बीएससी में अगर आप 3 मेजर विषय जो लेते हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, फिजिक्स पीसीएम लेते हैं, तो आपके पेपर में एक ही पेपर होगा, आपका 3 पेपर नहीं होगा। फिजिक्स का एक पेपर, केमिस्ट्री का एक पेपर और मैथ का एक पेपर, ठीक है। कुल मिला के आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 300 नंबर का कराया जाएगा, कितने 300 नंबर का कराया जाएगा, जिनमें से 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, 25 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे एमसीक्यू मोड में, और उसमें से आपको 75 नंबर करने रहेंगे, और कोई कोई वेबसाइट कोई कोई यूनिवर्सिटी हैं जो अपना 100 भी कराएंगी, तो आप इंट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपका लिखित होगा, अगर आपका पैटर्न जो होगा वो रिटर्न होगा, तब आपके प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। तो आपके प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में। सेक्शन देखिए, आपका प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, ए बी और सी, ए बी और सी। तो ए सेक्शन ए में पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ए में
अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न को कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दीर्घ आंसर टाइप दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न को कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कहते हैं क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इन तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न आते हैं। जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर जो मैं दे रहा हूँ वो रिटर्न बेस पर मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया भी है, आप लोग मॉडल पेपर जरूर तैयार करिए। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न रहेंगे और 10 के 10 प्रश्न करना रहता है आपको। दूसरी बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र में यानी आपके प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। इतनी बात से सहमत हो गए आप? चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कितनी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप की संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी, जिसमें से आपको 2 का ही उत्तर देना है। ठीक है, कितने प्रश्नों का उत्तर? 2 का उत्तर देना है और दोनों प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10 नंबर प्रोवाइड करेगा प्रत्येक क्वेश्चन। यानी कि देखिए अगर बात कर लें अति लघु उत्तरीय की, सबसे पहले देखिए आपको पेपर पैटर्न पता हो गया, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई, बहुविकल्पीय प्रश्न की संख्या कितनी आएगी ये भी पता चल गया, कुमार सीट में किस प्रकार से विकल्प भरने, इतनी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका सेक्शन 3 है यानी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये कितने नंबर का होगा। देखिए अगर अति लघु उत्तरीय की बात करें तो अगर आपका प्रश्न पत्र 75 नंबर का बनता है तो उसमें जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के, यानी कि 2 और 10। ठीक है, 10 नंबर यानी कि 10 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कुल मिला के आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो आएंगे 20 नंबर के। अब कितने लघु उत्तरीय प्रश्न? लघु उत्तरीयों की संख्या देखिए, इसका प्रत्येक प्रश्न आपको 7.5 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 7.5 नंबर देगा। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो इसका प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर देगा? 10 नंबर देगा आपको। ठीक है, 2 प्रश्न करने हैं 10 नंबर के लिए, यानी कि 20 नंबर आपको सेक्शन सी से मिलेंगे, सेक्शन बी में 7.5 नंबर का प्रश्न है और आपको 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर अपना कमेंट करें और मैं आपके आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हैं, कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे जैसे भी टाइम लगेगा मैं आप लोग के क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।